हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष नायक इलेक्ट्रिशियन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये जो हम लाइट बनाना आप लोगों को सिखाएंगे, तो ये म्यूजिक के साथ रिएक्ट करेगी लाइट, और जैसे जिस तरीके से हमारा म्यूजिक चलेगा उसी तरीके से हमारी लाइट भी चलेगी। तो इसको म्यूजिक रिएक्ट LED लाइट के नाम से हम जानेंगे, और आप लोगों को बनाना भी सिखाएंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं इसको। तो चलिए जान लेते हैं कि म्यूजिक रिएक्ट लाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी और हमें क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने कुछ स्क्रीन के सामने मैंने कुछ कंपोनेंट रखे हुए हैं। एक माइक है, मिनिएचर माइक, और दो हम ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, BC548, और ये देखिए तीन हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे। एक 1 MΩ की रेजिस्टेंस यूज करेंगे और दो रेजिस्टेंस हम 10 kΩ की रेजिस्टेंस यूज करेंगे। और हम ये जो आप माइक देख रहे हो दोस्तों, तो इस माइक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं पहले। तो ये वाला जो आप टर्मिनल देख रहे हो माइक का, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो इस साइड वाला टर्मिनल देख रहे हो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब इसके बाद हम सर्किट डायग्राम आपको दिखा देते हैं, और सर्किट डायग्राम के अनुसार इसमें कनेक्शन करेंगे। इस लाइट का सर्किट कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये मैंने एक माइक यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, और माइक के सीरीज में ही मैंने 10 kΩ के रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, और वहीं से मैंने एक 100 nF का एक कैपेसिटर भी यूज किया हुआ है, और एक ये मैंने 1 MΩ का रेजिस्टेंस यूज किया है। और ये दो जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं, ये दो ट्रांजिस्टर BC548 हमने कनेक्ट किए हुए हैं। जो BC548 ट्रांजिस्टर है उसका जो कलेक्टर पिन है, तो कलेक्टर पिन से हमने 10 kΩ का रेजिस्टेंस सीरीज में उसको कनेक्ट किया है, और जो कलेक्टर पिन से ही हमने जो दूसरा ये जो सेकंड वाला ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो, तो इसके बीच से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो LED आप देख रहे हो, ये सेकंड नंबर का जो ट्रांजिस्टर है उसके हमने कलेक्टर पिन से LED के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और LED को डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। और जो ये वाला आप पिन देख रहे हो, ये ट्रांजिस्टर का अमीटर है, तो अमीटर से हम नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर देंगे। अमीटर ट्रांजिस्टर के दोनों दोनों ये जो अमीटर वाली पिन है, इन दोनों को हम नेगेटिव वाली टर्मिनल से इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इस सर्किट डायग्राम के अनुसार ही हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है सर्किट दोस्तों। और देखेंगे कि अब देखिए कि किस तरीके से म्यूजिक म्यूजिक के साथ रिएक्ट करती है ये लाइट। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये लाइट अगर अच्छी लगे तो दोस्तों, जैसे ही हमारे माइक से कोई साउंड एनर्जी इसको मिलेगी, तो ये साउंड एनर्जी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर क्या करेगी, ये जो हमने ये कैपेसिटर यहाँ लगा रखा है, तो कुछ एनर्जी यहाँ स्टोर करेगा, और एनर्जी स्टोर करने के बाद ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के बेस को एक सिग्नल देगा, और सिग्नल से ये जो आप कलेक्टर वाली पिन देख रहे हो, कलेक्टर वाली पिन से जो सेकंड नंबर का जो ट्रांजिस्टर हमने कनेक्ट किया हुआ है, जिससे हमने LED कनेक्ट किए हुए हैं, तो इसके बेस को सिग्नल देगी, और जैसे ही ये सिग्नल देगी वैसे ही हमारी लाइट ये ब्लिंक करेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम सर्किट डायग्राम के अनुसार इसको सोल्डरिंग आयरन के साथ इसमें कनेक्शन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या रिएक्ट करती है हमारी लाइट। और दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दबा लीजिए, ताकि हमारी जो अगली वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक आ सके जल्दी से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने सर्किट डायग्राम के अनुसार कंपोनेंट को सारे कनेक्ट कर दिए हैं, और ये हमारी जो आप सभी देख रहे हो ये LED स्ट्रिप है। तो LED स्ट्रिप के ये दो टर्मिनल हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो LED है ये हमने यहाँ कनेक्ट की हुई है, आप देखिए सर्किट डायग्राम के अनुसार, सर्किट में देखिए
यहाँ हमने इसको कनेक्ट की हुई है। और ये जो दो टर्मिनल आप देख रहे हो, ये दो टर्मिनल हमने बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट कर रखे हैं। तो इन दोनों टर्मिनलों से हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे और इसमें सप्लाई देंगे। उसके बाद आप देखो कि ये मैजिक म्यूजिक के साथ किस तरीके से ये रिएक्ट करती है हमारी लाइट। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने एलईडी स्ट्रिप को मैंने कनेक्ट कर दिया है ड्राइवर से। तो ये जो हमने मिनीचर माइक, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, इसको कनेक्ट कर दिया है। और एलईडी के ये दो इनपुट टर्मिनल है, तो उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। और ये सप्लाई के लिए हमने दो बैटरी सीरीज में है, थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज कर रखा है, तो इसलिए मैंने इसको वोल्टेज बढ़ाने के लिए मैंने दो बैटरी सीरीज में कनेक्ट की हुई है। तो मैंने ऑलरेडी इसको सप्लाई से कनेक्टेड किया हुआ है, बाकी इसको कोई साउंड एनर्जी अभी तक नहीं मिल रही है। इसको जैसे ही साउंड एनर्जी इसको मिलेगी, वैसे ही हमारी लाइट जो आप देखो कि ये रिएक्ट करेगी। और किस तरीके से रिएक्ट करती है आप लोगों के सामने दिखाते हैं। दोस्तों, हमने एलईडी को कनेक्ट कर दिया है और अभी हमारी एलईडी जो लाइट है वो रिएक्ट नहीं कर रही है। तो आपके सामने हम मोबाइल रखेंगे और मोबाइल से इसको म्यूजिक को ऑन करेंगे और आप देखो कि हमारी जो एलईडी लाइट है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारी लाइट, एलईडी लाइट रिएक्ट कर रही है और म्यूजिक भी चल रहा है। म्यूजिक को अब हम ऑफ करेंगे। म्यूजिक को ऑफ कर देंगे तो हमारी लाइट भी ऑफ हो जाएगी। देखिए, एलईडी हमारी सारी की सारी अभी ऑफ हो चुकी है क्योंकि इसको कोई साउंड एनर्जी नहीं मिल रही है। जब जब तक इसको कोई साउंड एनर्जी नहीं मिलेगी, जब तक ये हमारी एलईडी जो लाइट है ये हमारी ब्लिंक नहीं करेगी, तो हमारा साउंड यहाँ से चालू होता है, वैसे हमारी रिएक्ट करती है। दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा कमरे की लाइट बंद करेंगे और आप देखो कि ये नाइट में किस तरीके से लगती है, कितनी अच्छी लगती है। आपको ये फीलिंग आएगी कि ये आप इसको डीजे लाइट के नाम से भी इसको बोल सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी हमारा गाने का म्यूजिक ऑफ है। अब हम इसको ऑन करेंगे और आप देखो कि नाइट में ये हमारी जो एलईडी लाइट है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है और कितनी अच्छी लगती है। दोस्तों, ये जो मैंने एलईडी लाइट बनाई है, ये आप अपने घर पर भी बना सकते हो और अपने घर में भी डेकोरेशन के लिए लगा सकते हो। और वैसे तो इसका यूजेस डीजे लाइट में किया जाता है, लेकिन दोस्तों आप इस लाइट को बना घर पर ही बना करके आप अपने घर में भी इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए अब इसका नाइट का सीन दिखाते हैं कि नाइट में ये किस तरीके से रिएक्ट करती है और कैसे लगती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी जो एलईडी लाइट है वो किस तरीके से डीजे लाइट की तरह रिएक्ट कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और माइंड में यदि अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। कि आप देख पा रहे हो,
मैंने स्क्रीन के सामने से मोबाइल को हटा दिया है और म्यूजिक को भी बंद कर दिया है। तो मैं उंगली से जैसे ही इसमें साउंड करूँगा तो आप देखो कि लाइट हमारी फिर भी ब्लिंक करेगी, क्योंकि इसको साउंड दूंगा मैं। तो देखिए, जैसे ही बंद कर दूंगा तो ये लाइट हमारी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसको साउंड एनर्जी से इसको सिग्नल मिल रहा है दोस्तों, जिससे ये हमारी एलईडी जो लाइट है वो रिएक्ट कर रही है। आप इसके सामने कुछ बोलोगे तो भी ये लाइट ऑन होगी। ऑन,